हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा हम आज करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 33 साइंस सब्जेक्ट की है, 10th क्लास के लिए, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम में है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर का नाम क्या है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन जो है मेटल्स की एसिड्स के साथ, ठीक है। उससे पहले हमने पढ़ी थी बेटा वाटर के साथ और साथ में ऑक्सीजन के, आज पढ़ेंगे एसिड के साथ। तो चलिए, मेटल्स को अगर हम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या देते हैं बेटा? वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा। ये क्वेश्चन बनता है, एक नंबर में भी बन सकता है या बड़े में, तुमसे कोई एग्जाम्पल के साथ पूछ सकते हैं कि अगर मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, ठीक है, या डाइल्यूट एसिड के साथ, तो वो क्या देते हैं? सॉल्ट देते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं, मेनली तो ये पूछा जाता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल भी दिया गया है बेटा यहाँ पर, देखो ये क्या है, एक मेटल है सोडियम, जिसको हमने किसके साथ रिएक्शन करवाई? HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, वो भी डाइल्यूट। तो हमें क्या मिला? सॉल्ट मिला, NaCl। NaCl क्या है? सॉल्ट है, ठीक है, और साथ में क्या है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है। अब बेटा जिंक मेटल लिया, तो जिंक की कराई HCl के साथ डाइल्यूट, तो हमें क्या मिला? ZnCl2, ये भी एक सॉल्ट है बेटा, और हमें क्या मिला? हाइड्रोजन गैस मिली, ठीक है। अब नीचे बेटा क्या है, एक और इम्पोर्टेंट लाइन है, ये याद रखना, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट HCl। तो डाइल्यूट HCl के साथ कॉपर रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होता है इनके कंपैरिजन में, ठीक है, तो इसलिए नहीं कर पाता ये। अब यहाँ पर देखो बेटा, आपको डायग्राम में क्या दिया गया है? कॉपर दिया गया है, ठीक है, जिंक दिया गया है और साथ में मैग्नीशियम दिया गया है। तो फिगर में यहाँ पर क्या बेटा, फिगर में मैग्नीशियम जिंक रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और वेयर एज नो रिएक्शन ऑफ कॉपर। तो कॉपर की देखो यहाँ पर कोई, ये कॉपर की यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हो रही, जैसा उसका कलर होता है सेम टू सेम है, लेकिन जिंक की और मैग्नीशियम की यहाँ पर रिएक्शन हो गई है, ठीक है, यही दिखाया है। फिर बेटा हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विद इन नाइट्रिक एसिड। तो अगर बेटा नाइट्रिक एसिड के साथ क्या नाम है, रिएक्ट करेंगे मेटल्स, तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते जैसे कि HCl के साथ करते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा HNO जो है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? इट इज़ बिकॉज HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका क्या मतलब है बेटा? तो इसके पास ऑक्सीजन होती है और ये जिसके साथ रिएक्ट करता है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है, मतलब कि क्या करता है, जो इसके पास ऑक्सीजन होती है ये उसको दे देता है, जैसे कि ये ऑक्सीडाइज कर देता है H2O को, और क्या देता है फिर? वाटर देता है, मतलब जो इसकी ऑक्सीजन थी वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देती है? वाटर बना देती है। इस वजह से वो क्या होता है, H2 गैस प्रोड्यूस नहीं हो पाती, वो वाटर बन जाता है, ठीक है, और इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। और ये खुद बेटा क्या करता है, अपने आप रिड्यूस हो जाता है एनी टाइप ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, जैसे कि N2O में या NO में या फिर NO2 में रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। फिर बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद द वेरी डाइल्यूट HNO3। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट होगा HNO3, तो उसके साथ मैग्नीशियम और मैग्नीज क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस कर देते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया गया बेटा आपको। मैग्नीशियम ने क्या किया, HNO3 के साथ किया रिएक्ट डाइल्यूट के, और क्या दिया हमें, MgNO3 का होल ट्वाइस एक्वस और साथ में हाइड्रोजन गैस। सेम बेटा मैग्नीज ने क्या दी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस की और साथ में क्या नाम है, MnNO3 होल का होल ट्वाइस, ठीक है, MnNO3 का होल ट्वाइस प्रोड्यूस हुआ। अब बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स, मतलब एक तो मेटल होगी और दूसरा होगा मेटल का सॉल्यूशन, ठीक है, जिसको हम सोल्ट भी बोल सकते हैं। तो मेटल ए हुई एक, उसकी रिएक्शन कराई सोल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, ठीक है, कोई भी बी के साथ करा दी, तो हमें क्या मिलता है बेटा, जो ए मेटल होता है वो इसके साथ रिएक्ट कर जाता है और क्या बना देता है, सोल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए, और बी को वहाँ से हटा देता है, यानी कि डिस्प्लेस कर देता है, एक किस्म की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। और वो कब हो पाती है, ये इनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पर हो पाती है, हर किसी के साथ ये डिस्प्लेस नहीं होते। तो आयरन जो है बेटा वो कॉपर सल्फेट से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करता है, अब इसको ऐसे समझो बेटा कि यहाँ पर क्या है, तीन मतलब कि ये बच्चे लगाओ या कोई व्यक्ति लगाओ जो क्या कर रहे हैं, इनके बीच में फाइट होनी है, तो इनमें ये देखो स्ट्रोंग ये वाला है, तो ये क्या करेगा, जीत जाएगा इससे भी और इससे भी। तो अगर इन दोनों के बीच में होती तो कौन जीतेगा, ये जीतेगा, ठीक है। और अगर बेटा इसकी और इसकी होती है तो ये ज़्यादा स्ट्रोंग है तो ये जीतेगा। अब यहाँ पर यही है बेटा कि आयरन, देखो ये तो मान लो आयरन है और ये क्या है, कॉपर है, तो आयरन कॉपर में कौन जीतेगा, आयरन, तो ये क्या करेगा, कॉपर को हटा देता है और खुद यहाँ पर आ जाता है, मतलब कि जैसे कोई सीट है यहाँ पर इनकी, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे से लड़के उसकी सीट पर बैठ जाते हैं। ऐसे ही बेटा यहाँ पर नीचे वाले में देखो, कॉपर क्या करता है, अगर सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या नाम है,
रिएक्शन करता है तो कोपर क्या है, सिल्वर नाइट्रेट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो क्या करेगा यहाँ पे कोपर सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद यहाँ पर कोपर नाइट्रेट बना देगा। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस होती है बेटा, और वो भी उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पर। अब यहाँ पर नीचे क्या लिखा है, ऑल दी मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव, और सभी बेटा एक जैसे रिएक्टिव नहीं होते हैं, सभी की जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसके बेसिस पर ये रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। इफ़ वी चेक द रिएक्टिविटी ऑफ द वेरियस मेटल्स विद ऑक्सीजन, अगर हम उनकी रिएक्टिविटी को चेक करें मेटल्स की विद ऑक्सीजन वाटर एंड एसिड, वी फाइंड ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद दीज रिएजेंट। तो जरूरी नहीं है बेटा, अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज को चेक करते हैं इनकी, तो सभी के सभी मेटल्स इन तीनों चीज़ों के साथ रिएक्ट कर सकें। ठीक है, बस क्या करते हैं, कुछ ही मेटल कर पाते हैं। तो जैसे कि ये डायग्राम में दिखाया भी है बेटा आपको कि आयरन और कॉपर सल्फेट का, यहाँ पे आयरन है, ये कॉपर सल्फेट है, तो आयरन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या करता है, कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर देता है और क्या बना देता है, आयरन सल्फेट बना देता है। ठीक है, अब बेटा रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं जिसके बेसिस पर ये होता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, द रिएक्टिविटी सीरीज इज ए लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज, यानी रिएक्टिविटी आएगा। ठीक है, तो बेटा क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज क्या एक लिस्ट है मेटल्स की, जो कि अरेंज है इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, मतलब जो सबसे ऊपर होगा बेटा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के बेसिस पर होता है। जो सबसे ऊपर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर उससे नीचे वाला कम, फिर उससे कम, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, डिक्रीजिंग का जो सबसे ऊपर वाला है इन सबको डिस्प्लेस कर देगा वो जब इनके साथ रिएक्शन करेगा, फिर नीचे वाला अपने से नीचे वालों को, फिर उससे नीचे वाला अपने से नीचे वालों को। ठीक है, इस तरीके से ये डिस्प्लेस कर देते हैं। जो सबसे ऊपर वाले होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, और जो सबसे नीचे वाला होता है वो लिस्ट रिएक्टिव होता है, जो कि क्या है, गोल्ड है। ठीक है, तो बेटा इस रिएक्टिविटी की जो सीरीज है इसके बेसिस पर हम पता लगा पाते हैं कि कौन डिस्प्लेस करेगा और कौन डिस्प्लेस नहीं करेगा। ठीक है, अब नीचे देखो बेटा क्या लिखा हुआ है कि वाइल मेटल्स फ्रॉम मैग्नीशियम टू लेड कैन रिएक्ट विद द एसिड, मतलब कि जो मैग्नीशियम से लेड तक होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ, और मेटल फ्रॉम कॉपर टू गोल्ड आर हाईली अनरिएक्टिव एंड डोंट रिएक्ट विद एनी अदर सब्सटेंस इन नॉर्मल कंडीशंस, मतलब कि जब तक नॉर्मल कंडीशन जैसे कि अब है नेचुरल, तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं करते, उसके लिए मतलब कि हमें कुछ ना कुछ इस तरीके का उसमें डालना पड़ता है जो उनको, जो उनकी रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज हो सके और तब वो रिएक्ट कर पाते हैं। तो देखो बेटा मैग्नीशियम कहाँ पर है, मैग्नीशियम ये रहा, और लेड कहाँ पर है, ये रहा, तो ये मेटल्स जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और जो कॉपर है, कॉपर से लेकर गोल्ड तक ये अनरिएक्टिव होते हैं, हाईली अनरिएक्टिव होते हैं, वो किसी के साथ जल्दी से रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी, दिस इज द रीज़न वाई मेटल्स लाइक गोल्ड डू नॉट रिएक्ट, डोंट गेट कोरोड ईजिली एंड डोंट फॉर्म ऑक्साइड्स। तो बेटा आप गोल्ड की जो हैं चीज़ें भी पहनते होंगे या आपके घर में भी आपने देखा होगा कि उन पर कोई भी मतलब तुम्हें ऐसे दिखता नहीं है एकदम से कि कुछ असर आया हो, जबकि तुम कॉपर का अगर तुम्हारे के घर में कुछ इस्तेमाल होता होगा तो उस पर तुम देखते होंगे परत चढ़ जाती है एक। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि वो तो रिएक्टिव है लेकिन गोल्ड बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं है, बिल्कुल भी, और काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी मतलब कम से कम लगा लो तुम एक साल के बाद अगर डेली हम उस चीज़ को यूज करते हैं तब जाकर हमें लगता है कि उस पर थोड़ी बहुत, वो भी बहुत थोड़ी परत चढ़ी है। ठीक है, तो ये इसलिए हाईली अनरिएक्टिव है। वाइल मेटल सच एज जिंक एल्यूमिनियम मैग्नीशियम कैल्शियम एक्सेट्रा फॉर्म ऑक्साइड रेडली, और जबकि ये क्या होते हैं बेटा, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कैल्शियम, ये जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं और फट से अपना क्या बना देते हैं, ऑक्साइड बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक नोटिस की होगी बात, हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल बट स्टिल इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन दी रिएक्टिविटी सीरीज। अब बेटा ऊपर हमने पढ़ी थी मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज, लेकिन उसमें हाइड्रोजन भी था, तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्यों है, तो हाइड्रोजन बेटा इसलिए इंक्लूड है कि ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल, तो इससे हम ये हमारे कंपैरिजन में मदद करवा देता है। जैसे कि जो हाइड्रोजन है इससे नीचे के सारे क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, और इससे ऊपर के क्या होते हैं, सारे रिएक्टिव होते हैं, तो इसमें हेल्प मिल जाती है बस हमें। ओके, अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं बेटा, ये कर लेते हैं चलिए। तो बेटा देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द रिएक्टिव मेटल।
राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन जिंक रिएक्ट विद द डाइल्यूट HCl। तो बेटा हमने सबसे पहले यही पढ़ा था कि हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड टू द रिएक्टिव मेटल, ठीक है। एंड द केमिकल रिएक्शन व्हेन जिंक रिएक्ट विद द डाइल्यूट HCl क्या होगी, केमिकल रिएक्शन क्या होगी जिंक की, जब वो क्या करेगा डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगा, तो जिंक और डाइल्यूट HCl और हमें क्या मिलेगा बेटा, सोल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि व्हाट हैपन्स व्हेन कॉपर रिएक्ट विद द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो हमें क्या पता होना चाहिए बेटा इसके लिए कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसमें कौन ज़्यादा रिएक्टिव है बेटा, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है। व्हेन कॉपर रिएक्ट विद द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इट विल डिस्प्लेस द सिल्वर फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड मेक कॉपर नाइट्रेट बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, ठीक है। इजी से क्वेश्चन है बेटा और इंटरेस्टिंग है, बस आपको रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो याद होनी चाहिए, आप फटाक से कर लोगे इन क्वेश्चन को, ठीक है। और ये बेटा इसकी रिएक्शन है कॉपर की सिल्वर नाइट्रेट के साथ, ठीक है, ये लिख दोगे। अब बेटा नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्वेश्चन आपका कि ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट वॉज केप्ट इन एन आयरन पोट आफ्टर ए फ्यू डेज। अब बेटा क्या होता है देखो, ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट वॉज केप्ट इन एन आयरन पोट आफ्टर ए फ्यू डेज द आयरन पोट वॉज फाउंड टू हैव नंबर ऑफ होल्स इन इट। तो जब हम सोल्यूशन जो है कॉपर सल्फेट का वो रख देते एक आयरन पोट के अंदर, तो कुछ दिनों बाद देखते हैं हम कि आयरन पोट के अंदर छोटे छोटे छिद्र हो चुके हैं, होल्स हो चुके हैं। राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन डेट टुक प्लेस, तो उस रिएक्शन का लिखना है जो कि होती है इसमें। तो कौन सी है बेटा, आयरन के अंदर हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन रखा, वो रिएक्शन के बाद क्या हुआ, ये ज़्यादा रिएक्टिव था तो इसने क्या किया, आयरन सल्फेट बना लिया और कॉपर को अलग कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया बेटा, आयरन सॉल्यूशन में जाकर मिक्स होता गया और जिसकी वजह से जगह जगह पर होल्स हो गए थे। लिखोगे कैसे बेटा इसको, कि बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर डेट्स वाई आयरन डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टू मेक आयरन सल्फेट, देयरफॉर आफ्टर ए फ्यू डेज द आयरन पोट वॉज फाउंड टू हैव ए नंबर ऑफ होल्स इन इट, ठीक है, आप इस तरीके से लिख दोगे। अब आपको फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा, आपको एक टेबल दी गई है, ठीक है, इस टेबल में आपको क्या क्या दिया गया है, ये चार मेटल्स दिए गए हैं ए बी सी डी, और साथ में आपको चार सॉल्यूशन दिए गए हैं आयरन सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का, जिंक सल्फेट का और सिल्वर सल्फेट का, ठीक है, अब सिल्वर नाइट्रेट का सॉरी। अब आपको क्या बोला गया है कि इनमें ये देखना है आपको कि ये मेटल्स को जब इनके अंदर डाला जाता है इन सॉल्यूशंस के, तो ये क्या रिएक्शन होती है या नहीं होती है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पर ही हम पता लगाएंगे बेटा। तो देखो, जब ए मेटल को आयरन सल्फेट के अंदर डाला तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं हुई, इसका मतलब क्या है, ये आयरन से लेस रिएक्टिव है, ठीक है, तो ए तो आयरन से लेस रिएक्टिव है। और फिर क्या है बेटा, आपको इसके लिए क्या पता होना चाहिए कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, तो मैं साइड में लिख देती हूँ ताकि आपको आइडिया मिले। देखो बेटा, पहले क्या आता है आयरन, ठीक है, पहले आता है जिंक, ठीक है, पहले क्या आएगा जिंक, फिर आएगा आयरन, फिर आएगा कॉपर और फिर आएगा सिल्वर, ठीक है, तो ये इनकी रिएक्टिविटी सीरीज है। तो बेटा अब यहाँ पर देखो, आयरन सल्फेट क्या होता है, इसके साथ रिएक्शन नहीं करता एक, तो इसका मतलब ये इससे नीचे है, ठीक है, तो कॉपर सल्फेट है इससे नीचे, इसको डिस्प्लेस कर देता है, तो ये कॉपर से ऊपर है और आयरन से नीचे है, एक किस्म से ऐसे लगाओ, ठीक है। अब जिंक सल्फेट है बेटा, तो क्या इसके साथ रिएक्शन कर पाएगा, तो नहीं, क्योंकि क्या हुआ था, इसने आयरन सल्फेट को भी नहीं किया था, तो ये इससे तो कम ही है, और जिंक तो आयरन से भी बड़ा है, तो ये यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। फिर सिल्वर नाइट्रेट तो सबसे नीचे है बेटा, तो इससे तो ये स्ट्रॉन्ग है ए, तो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट लिख दोगे वर्ड, और यहाँ पे नो रिएक्शन लिखोगे क्रॉस के वहाँ पर। फिर बी को देखो बेटा, बी क्या करता है, आयरन को डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि ये इससे ऊपर है, ठीक है। और फिर कॉपर सल्फेट को क्या करता है, हमें बताने कि कॉपर सल्फेट को कर पाएगा या नहीं, तो ये आयरन को कर रहा है बेटा, तो इससे तो ऊपर है आयरन से, इसका मतलब ये नीचे वालों को सबको करेगा, तो ये कॉपर को भी डिस्प्लेस कर देगा, तो आप यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिख दोगे। जिंक को ये डिस्प्लेस नहीं करता, इसका मतलब जिंक से तो कम है, ठीक है, आयरन से ज़्यादा था, तो क्या हो गया, यहाँ पर नो रिएक्शन है। लेकिन सिल्वर नाइट्रेट सबसे नीचे है, तो इसको भी डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ पर भी ठीक है और यहाँ पर भी ठीक है, तो क्या कर रहा है ये, तीन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, आयरन सल्फेट को कर रहा है और कॉपर सल्फेट को कर रहा है और सिल्वर नाइट्रेट को कर रहा है, ठीक है। फिर सी को देखो बेटा, सी क्या कर रहा है, वन मिनट में करके बताती हूँ। यहाँ पर ये क्रॉस था, यहाँ पर टिक था, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट होती है और यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। अब जो सी है बेटा, ये आयरन सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता सोल्यूशन में, ना कॉपर सल्फेट के साथ करता है, ना जिंक सल्फेट के साथ करता है, बट सिल्वर नाइट्रेट के साथ कर लेता है, ठीक है, यानी कि ये सिल्वर नाइट्रेट से तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ओके।
और फिर डी क्या बेटा, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, तो मतलब कि ये तो बिल्कुल ही अनरिएक्टिव है। तो अब यहाँ से तुम्हें क्या पता चला, देखो इसने कितनों के साथ डिस्प्लेसमेंट की, बी ने एक दो तीन, और ए ने कितनों के साथ की, एक और दो, तो ये तो दो के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये तीन के साथ कर रहा है, तो बी क्या हो गया, ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, और डी किसी के साथ नहीं कर रहा तो डी क्या हो गया, अनरिएक्टिव हो गया। ठीक है, ये मतलब कि बहुत ज़्यादा वीक है। अब बेटा ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं कि यूज़ द टेबल, वन मिनट, यूज़ द टेबल अबाउट टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट मेटल्स ए बी सी एंड डी, विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो हमने अभी पढ़ा बेटा क्या है, बी इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। फिर सेकेंड है, वट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज़ एडिड टू द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट के अंदर अगर हम बी को ऐड कर देंगे तो क्या ऑब्जर्व करेंगे हम बेटा, तो बी क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, वो डिस्प्लेस कर देगा। और थर्ड में क्या है बेटा, अरेंज द मेटल ए बी सी डी इन ऑर्डर टू डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग लिखनी है, फिर उसकी डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के उस पर लिख देना है सीक्वेंस में। तो कैसे करोगे बेटा, तो क्या है, फर्स्ट वाले को क्या लिखोगे, अमंग ए बी सी डी मेटल्स मेटल बी इज़ मोर रिएक्टिव। ठीक है, फिर सेकंड का बेटा, इफ मेटल बी इज़ एडिड टू द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट देन मेटल बी डिस्प्लेस द, डी लगा लेना, ठीक है, डिस्प्लेस्ड द कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट बिकॉज सॉल्यूशन लिख लेना, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बिकॉज मेटल बी इज़ मोर रिएक्टिव देन द कॉपर सल्फेट। ओके, और जो थर्ड होगा बेटा उसमें क्या लिखोगे, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ ए बी सी डी मेटल इज, पहले क्या आएगा, बी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर उसके बाद ए है, फिर उसके बाद सी है, और वो फिर सबसे लास्ट में कौन है, डी है। ठीक है, तो बेटा ये थी आपकी आज की वर्कशीट, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।